उनकी मन का मंद मंद मुस्कुराना, उनको प्रेम भरे चितवन से देखना, हमारे साथ में इस प्रकार से लीलाएं करना, हम कैसे उनको भूले। उद्धव, जब से हमारे जीवन में, हमारे बीच में श्याम सुंदर आया है, तब से हमारे जीवन का जितना भी क्लेश था वो सब दूर हो गया है। हम पूछना चाहते हैं, कभी हमारी याद करते हैं? बोले बिल्कुल याद करते हैं बाबा, इतना प्रेम से चर्चा कर रहे हैं और बोलते बोलते नंद बाबा की वाणी जो है मौन हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान के प्रेम में, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या बोले। और यशोदा मैया की स्थिति ऐसी है, कोई भी भगवान आंसू और स्तनों से दूध की धार बहन लगती है, ऐसी स्थिति यशोदा माता की है। उस प्रेम में परम उपदेश दूं, समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का सार यही है कि भगवान में मन लगे, इनका तो पहले ही लगा हुआ है, अब इनको कौन सा उपदेश दे कि भगवान में मन लग जाए। अगर मैं इनको ये कहूँ कि उस कृष्ण को भूल करके तुम ब्रह्म में मन लगाओ, तो ये अपराध होगा, क्योंकि ब्रह्म और कृष्ण दोनों एक ही तो हैं, दोनों अंतर नहीं है। लेकिन कह रहे आया हूं तो कुछ तो कहूंगा। उद्धव जी कह रहे हैं, बाबा जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हो ना, वो केवल आपका पुत्र नहीं है, फिर कौन है भैया? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। उसका कोई ना माता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, ना तो उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है, उसका अपना कोई नहीं है बाबा, वो सबसे परे है, समस्त देहधारियों का अंतरात्मा है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम्हारी बात में अगर मान भी लो तो कैसे मानूं, मैं तो मोटी मोटी बात जानता हूँ, किसी भी मैया का कोई पागल पुत्र भी हो और वो घर के घर छोड़ के भाग जाए तो उस पागल पुत्र के लिए भी बेचैन हो जाते हैं, मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो बताओ, जिस पागल पुत्र के लिए माँ बेचैन हो जाती है, तुम्हारा कन्हैया तो हमारे प्राण था, भगवान श्री कृष्ण के जैसा पुत्र प्राप्त करके यदि वो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए हम यदि बेचैन हैं, इसमें कौन सा पाप है। और दूसरी बात, भगवान को कौन नहीं चाहता भाई, भगवान को भी पुत्र यदि हमें प्राप्त है और वो हमें छोड़ के चले गए तो भगवान के लिए रोना क्या पाप है। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल पाप नहीं है। अनेक प्रकार से मैं संक्षेप कर दूंगा क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, अगर मैं बहुत विस्तार करूंगा तो। इतना मार्मिक प्रसंग है कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इच्छा होती है बस उस प्रेम में बैठे बैठे रोते रहो, इसलिए बहुत विस्तार मैं कर नहीं सकता इस कथा का। चर्चाएं रात भर हुई है, नंद बाबा ने अपने अकाट्य प्रमाण से उद्धव जी के जितना ज्ञान था सब खुल गया है। भैया जिस ब्रह्म की चर्चा तुम कर रहे हो, तो ब्रह्म कोई और नहीं, हमारा पुत्र ही है, और कृष्ण जैसे पुत्र को पा करके कौन पिता होगा जो भूलना चाहेगा। रात भर चर्चा हुई है, उद्धव जी निर्वन में जाते हैं और वहां देखते हैं निकुंज वन में सारी गोपियां बैठी हुई हैं, और उन गोपियों के मानसिक स्थिति का उद्धव जी अवलोकन करते हैं कि जब मैं नंद बाबा और यशोदा मैया के सामने कुछ बोलने लायक नहीं रहा, तो इन गोपियों की पहले स्थिति का अवलोकन कर ले, क्या इनकी स्थिति कैसी है। तब जो है उन गोपियों के मध्य में एक राधा रानी बीच में बैठी है, सारी गोपियां एक गोला बना करके बैठी है। एक गोपी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण आज मेरे सपने में आए थे, मेरे घर भी आकर के माखन खाया, मैंने हाथ उनका पकड़ लिया कि चलो मैया के पास लेके चलती हूँ। जैसे ही नंद दरवाजे तक पहुंचने वाली थी कि निगोड़ी आंख खुल गई। सब लोग अपने अपने सपने की चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी ने कहा, राधा रानी जी, किशोरी जी, हम सब रोज अपने सपने की चर्चा करते हैं कि आज भगवान का हमें दर्शन ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पर आप कभी अपने सपने का चर्चा नहीं करती, क्यों? किशोरी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सपने बसंतिया कांतम। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए हैं, उस दिन से हमको नींद आती ही नहीं है। जब नींद आती नहीं है तो स्वप्न दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं तो बताऊं तुम्हें कैसे स्वप्न में देखा था।
जब ऐसी स्थिति देखी तो उनके बीच में एक काला काला घोड़ा उड़ के आके बैठ गया। और जब काले घोड़े को देखा तो गोपियों ने कहा कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण का दूत है, उनका संदेश लेकर के आया है। और भ्रमर गीत के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कह रही गोपियां कि मधुपितबंधो मास प्रसांग्रिं सपत्न्यां कुछ विलुलित माला कुमकुमास्मास्त भिरनः बहुत मद प्रतिष्ठन माननी नाम प्रसाद यदुषदृशीडम्यम यश दूतस्त्वमीदृक। कहते अरे दौरा तू भी कपटी और तेरा वो सखा कृष्ण भी कपटी, इतने काले हैं सब कपटी होते हैं। अच्छा क्या कपट किया भैया मैंने बताओ जरा। गोपियां कहती हैं जिसे तुम पुष्प हो भ्रमर हो पुष्प पर बैठते हो उसके पराग का पराग को चूसते हो और चूसने के बाद में छोड़ के उड़ जाते हो, ऐसे ही तुम्हारा कृष्ण है। हमारे हृदय में प्रेम को उत्पन्न किया और तुम भी कपटी।